कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में हो ना। आज हम कक्षा 7 हिंदी में कुत्ते की वफादारी एक कहानी देखेंगे। यहाँ पर हमें इस कहानी में जो हमें पता चलता है कि किस तरह से एक कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है और मालिक भी अपने कुत्ते को कितना प्यार करता है, उसके बारे में हमें इस कहानी में जानकारी मिलेगी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी से को उजागर किया है। यहाँ पर हमें जो कुत्ता है अपने मालिक के प्रति कितना वफादार होता है उसके बारे में यहाँ कहा है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने वाले से पछतावे की नौबत आ जाती है। कई इतनी बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो इससे हमारा काम बिगड़ जाता है और हमें पछताने की बारी आती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की कहानी के माध्यम से बताई। लेखक ने यहाँ पर कुत्ता और बंजारा दोनों में कितना अंदर अंदर प्रेम भाव था और कितने लोग अंदर अंदर उनके जो बातें आज भी वो याद करते हैं, तो इस कहानी में इसके बारे में हमें बताया है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में रतनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। तो गुजरात में रतनपुर नाम एक नगर है और इसमें कि तालाब के किनारे ये कुत्ते है, एक कुत्ता है, उसका एक समाधि है और समाधि और वह भी कुत्ते की, कोई मनुष्य की समाधि हो तो ठीक है, यहाँ पर तो कुत्ते की समाधि बनाई है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को मिला देने वाली कथा है। यहाँ हम जानेंगे कि कुत्ता और जो मनुष्य है, मानवीय है, उनके बारे में जो जानकारी मिलेगी कि बात है वो हमारे दिल को भी छू देने वाली है, हमारे दिल को भी हिला देने वाली एक कहानी है। हम जो ये कहानी है वो हम देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पहले के ज़माने में जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम जो बंजारे हैं वो करते थे। एक बंजारा था, वो अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले जाता था। एक बंजारा था और वो सामान था वो गाँव में से सब लेके दूसरे गाँव में ले जाता था। लाखों का व्यापार था उसका, बहुत सारा उसका सभी जगह उसका व्यापार चलता था, लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उससे लाखा बंजारा कहते थे। इतना वो नाम लाखों का व्यापार था इसलिए लोग उन्हें उसको लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा जो है उसके पास क्या था, एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था, कुत्ता बहुत ही वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। कुत्ता है वो बंजारे का जो पड़ाव थे उसकी सब रखवाली करता था, संभालता था, उसकी देखभाल करता था। अगर चोर डरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंककर उन्हें दूर भगा देता था। चोर डरे वहाँ पर आते तो कुत्ता उन्हें दूर तक भगा कर वहाँ से भगा देता था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर डरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंककर उन्हें दूर भगा देता था। कहीं भी चोर डरे वहाँ पर दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंककर उसे भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा है वो अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था, अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। एक बार जो व्यापार है उसमें उसकी बहुत ही खोट आ पड़ी, बहुत ही उसमें व्यापार मार पड़ी, तो उसके रुपयों की बहुत रुपयों की जरूरत पड़ी उससे। वह रतनपुर के एक शेर के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई। रतनपुर में उसके शेर के पास पहुंच गया, उसने अपनी बात बता दी। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। एक सेठ के पास गया, वो कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, रुपये की जरूरत है। तो सेठ ने कहा कि मैं तुझे रुपये दूंगा, लेकिन तू उसके बाद में मुझे क्या उसके बदले में तुम क्या गिरवी देगा, क्या देखने वाला है। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास थोड़ी कौड़ी भी नहीं है। लाखा कहता है मेरे पास एक थोड़ी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या आपको क्या दूँ। मैं व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मैंने जो व्यापार किया था उसमें मुझे बहुत ही मार पड़ी और मैंने सब खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। मेरे मैं कहता हूँ उस पर आप विश्वास रखे और मुझे रुपये दे, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। मेरे जो रुपये आपने मुझे आप जो पैसे देंगे रुपये देंगे वो मेरे मैं ब्याज सहित आपको वापस एक साल में दे दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे जमात के रूप में दे दो। कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जो कुत्ता है वो जमात के तौर पर मुझे दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा देंगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। वो कहता है कि
मैं जो तेरे पास जो होता है मुझे दे दे, और जब तू सब पूरा पैसा मुझे दे वापस दे देगा तब तो मैं तुझे होता है तुझे वापस कर दूंगा। बंदरे का दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, रुपया लेकर वह चला गया। बंदरे को बहुत दुख आ, लेकिन अपने कुत्ते को पैसे की जरूरत थी इसलिए अपने कुत्ते को वहां पर छोड़ के चला गया। कुछ दिन बीते एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुछ दिन हुए थोड़े और कुछ ही दिनों में एक बार सेठ के यहाँ चोरी हो गई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। चोरों ने सारा सामान है वो जमीन में कहीं पर छुपा दिया, गाड़ दिया और वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भाग होकर सेठ को बताने लगा कि तो लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर सारा माल उठा ले गए हैं। कुत्ता है वो सेठ को सेठ के पास गया और वहाँ से भाग भाग कर सेठ को जहाँ पर वो सामान रखा था वहाँ पर सेठ को ले गया। सेठ को रक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता की सेठ की धोती पकड़ कर आगे खींचने लगा। सेठ तो बहुत ही आश्चर्य पड़ गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़ कर खींच के वहाँ ले गया। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ भी कुत्ते के पीछे पीछे वहाँ उसके साथ गए। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। जहाँ पर चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर अपने पाँव से मिट्टी खोद कर निकाल कर सेठ को वहाँ दिखाने लगा। थोड़ा खोदने पर सब सामान निकल गया। थोड़ा खोदा तो सब सामान चोरों ने वहाँ रखा था और छिपाया था चोरों सामान वो सब दिखने लगा, वो दिखाई दिया। सेठ की खुशी का कोई पाना रहा। सेठ की खुशी का इतना ठिकाना, इतना खुश होकर सेठ इतना अपना छुपा बस कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। वो कुत्ते को बहुत प्यार से उसको थपथपाने लगा, उसको प्यार देने लगा, उसको बहुत ही कुत्ते के कुत्ते वफादारी दिखाई उसे, उसको बहुत प्यार आया। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। कुत्ते कितनी इतना इसकी सामान वापस दिया तो उसकी वफादारी में बहुत ही वो आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांध कर कहा। उसने जो घर जाकर उसने क्या किया, कुत्ता है उसको जो चिट्ठी लिखी और उसने कुत्ते का जो गले में जो पट्टा था उस पर बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता की कहता है वो सेठ की, कुत्ता भाई अब तुम्हारा जो सेठ है लाखा बंजारे के पास जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी भाग गया। बहुत खुश हो गया और अपने मालिक के मिलने के लिए दौड़ भाग कर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगा। इधर मित्र दूसरा जो इसका जो पार्ट है अगले वीडियो में देखिए, इसके बाद हम देखेंगे। थैंक यू।